हरियाणा विधानसभा की 90 के 90 सीट हम अपने दम पे लड़ेंगे। हरियाणा के जनता और देश की जनता अब समझ चुकी है, जाति और धर्म के नाम पे अब ये हरियाणा के लोग बंटने वाले हैं। सांसदों को बिना पूछे, उसका उत्तर सुने बिना संसद से परमानेंट निष्कासित कर दिया जाता है। हमारे देश को आजाद हुए 76 साल हो गए, लेकिन कई चीजों में हमको अभी आजादी नहीं मिली। जैसे कि सरकारी दफ्तरों में दुश्वारियां, परेशानियां, बद इंतजामियां। हमने आजादी की जंग इसलिए लड़ी थी ताकि हमारी आने वाली पीढ़ियों की जिंदगी आसान हो सके, ना कि इसलिए कि वो जगह जगह पर सरकारी दफ्तरों में धक्के खाएं, परेशानियों का सामना करना पड़े। शहीद आजम सरदार भगत सिंह जी के सपनों को साकार करने के लिए पंजाब सरकार ने फैसला किया है कि पंजाब के लोगों को अब सरकारी दफ्तरों के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे, बल्कि सरकारी दफ्तर खुद चल के लोगों के घर पर आएंगे। अब सरकारी दफ्तरों के चक्कर काटने की जरूरत नहीं, बस डायल करें 1076 और सरकारी सुविधाएं अपने घर पर ही पाएं। पंजाब की भगवंत मान सरकार आपके द्वार। बदलाव यात्रा का आज 8वां दिन है और हरियाणा आपके अध्यक्ष सुशील गुप्ता यात्रा को लेकर सोनीपत पहुंचे। सोनीपत शहर में यात्रा शुरू करने से पहले सुशील गुप्ता ने बीजेपी सरकार पर जमकर निशाना साधा और कहा कि हरियाणा का युवा नशे के दलदल में डूबता हुआ नजर आ रहा है। आज हरियाणा में सुरक्षा व्यवस्था चरमराई है, क्या कुछ कहा सुशील गुप्ता ने सुनिए। हरियाणा की बदहाल व्यवस्था को बदलना, हरियाणा के अंदर अच्छी शिक्षा, अच्छी चिकित्सा, अच्छा रोजगार, अच्छे उद्योग, अच्छा व्यापार, जवान को नौकरी, नशा मुक्त हरियाणा, भ्रष्टाचार मुक्त हरियाणा, भय मुक्त हरियाणा बनाना और ये हरियाणा के लाल को एक मौका केजरीवाल को देकर हरियाणा को भी दिल्ली और पंजाब की तरह पे विकसित करना। हरियाणा आज नशे की गिरफ्त में घिर चुका है, चिट्टे का नशा, जहरीली शराब का नशा, इंजेक्शन का नशा, अनेकों किस्म के नशे हरियाणा के अंदर बढ़ते जा रहे हैं। हरियाणा के जिस भी गांव में आप जाओगे, एकांत जगह जहाँ मिलेगी वहां पे आपको इंजेक्शन की सिरिंज पड़ी हुई मिलेंगी। ये अपने आप के अंदर बताता है कि ये जो नशे की आदत युवाओं को खराब कर रही है। युवा नशे की गिरफ्त में क्यों आया? काम ना मिलना, बेरोजगारी, या किसान का कर्ज के बोझ के नीचे दबना, या महिलाओं के प्रति जो अपराध बढ़ रहा है, घर वालों की जब कुछ पार नहीं पड़ती तो फिर नशे का सहारा लेते हैं। हरियाणा के अंदर बढ़ते हुए भ्रष्टाचार, जब व्यक्ति का काम नहीं होता, मायूस होकर फिर नशे का सहारा लेता है। अब उड़ता हरियाणा बनता जा रहा है। मैं अगर आंकड़ों की बात करता हूं तो प्रदेश का पूरा युवक नशे की गिरफ्त की तरफ जाता जा रहा है, घर घर नशा जा रहा है और सरकार की मिली भगत के बिना नशे का इतना बड़ा कारोबार होना बहुत मुश्किल बात है। सरकार चाहे तो नशा चंद दिनों में बंद कर सकती है। पंजाब के अंदर भी जो उठता हुआ पंजाब था, नशा बंद किया गया। मैं ये तो नहीं कहता कि 100% खत्म हो गया, परंतु 90% खत्म भगवंत मान की सरकार ने चंद दिनों में कर दिया है। परंतु हरियाणा में नशे के तस्कर बेखौफ बेखौफ घूम रहे हैं और उनका कुछ बिगड़ता नहीं। आपको मैं बताऊं, चंद दिन पहले सिरसा में हमारे जिला पार्षद है आम आदमी पार्टी के, उसके जेठ को नशा तस्करों ने दुर्दंत हत्या की थी, क्योंकि वो नशा, उनका नशे की बिक्री रोकना चाहता था। अधिकारियों और नेताओं की सरपरस्ती के अंदर जो नशे का कारोबार चल रहा है, चाहे वो नकली शराब का हो, 500 से ज्यादा व्यक्ति मर जाते हैं लगातार, खट्टर सरकार उस पर कोई अंकुश नहीं लगा पा रही। सरकार ने बताया था कि झूठ बोला था विधानसभा में कि नकली शराब की वजह से 39 लोग मरे, मरे थे 500 से ज्यादा, जो रिकॉर्ड है। एनसीआरबी
की रिपोर्ट के अंदर ये है 500 से ज्यादा मरे, परंतु सरकार अब विधानसभा में झूठ बोले तो इसका कोई उपाय ही नहीं है। नशे की वजह से सुसाइड करने वाले हरियाणा के अंदर सबसे ज्यादा है। हरियाणा में सुसाइड रेट 2021 के मुकाबले में 2.5% बढ़ा है प्रति 1,00,000 की आबादी पे 12.6, मतलब 12.5 से ऊपर युवक आत्महत्या करते हैं यहाँ पे, जो सुसाइड रेट देश में सबसे ज्यादा है। इनमें से 61% आत्महत्या करने वाले की आमदनी 1,00,000 रुपए से कम है, गरीब व्यक्ति है जिसके खाने का जुगाड़ नहीं हो रहा, रोजगार मिल नहीं रहा, एक साल के अंदर 1,00,000 रुपए से कम वो कमाता है, वो है जिसके युवक को नौकरी नहीं मिली, नशे की लत लग गई, कर्ज का बोझ के नीचे दब गया, नशे की लत लग गई, बहन बेटी के साथ अत्याचार हो गया, वो कुछ कर नहीं पाया, नशे की लत लग गई। 9 साल में हरियाणा सरकार ने ऐसे युवाओं का आज तक कोई इंतजाम नहीं। सुशील के माने तो बेरोजगारी की वजह से आज हरियाणा के युवा के पास और कोई चारा नहीं है और हरियाणा के ग्रामीण इलाकों में नशा तेजी से बढ़ रहा है और आम आदमी पार्टी की यात्रा इसी बदलाव के लिए शुरू हुई है। वहीं सुशील से जब ये पूछा गया कि क्या आम आदमी पार्टी हरियाणा विधानसभा चुनाव गठबंधन में लड़ेगी तो सुशील ने साफ जवाब देते हुए कहा कि हरियाणा में आप अपने दम पर 90 विधानसभा सीटों पर चुनाव लड़ेगी। आज खट्टर साहब के जाने के दिन आ गए, सत्ता से दूर होने के दिन आ गए, तो इसलिए उनको गीता भी याद आ रही है, गांव गांव जाना भी याद आ रहा है। लेकिन बीजेपी पार्टी तो ये कह रही है साथ गठबंधन करेंगे हरियाणा में, क्या जो इंडिया गठबंधन है साथ मिलकर लड़ेंगे या अलग अलग वो करेंगे? हरियाणा विधानसभा की 90 के 90 सीट हम अपने दम पे लड़ेंगे, परंतु लोकसभा के लिए सारे देश के अंदर इंडिया टीम जो बनी है वो देश के लोकतंत्र को बचाने के लिए। सुशील का कहना है कि भारतीय जनता पार्टी देश को जाति पति के नाम पर बांटने की कोशिश कर रही है, उनकी इस यात्रा से देश और हरियाणा में बदलाव होगा और अब की बार हरियाणा की जनता अपने लाल अरविंद केजरीवाल को मौका जरूर देगी। सोनीपत से सनी मलिक, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।